आज की क्लास की शुरुआत एक कहानी से करते हैं, ठीक है। आज एक कहानी सुनाता हूँ। लाइफ मैनेजमेंट में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय जैसे सोशल मीडिया में चल रहा है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यदि आपको समझ में आ जाए, कहानी से ही समझ जाए, तो बहुत अच्छा है ना। और कोशिश करिएगा कि इसे अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिए। शुरू की जाए। तो कुछ बात ऐसे शुरू करते हैं। एक गधा था और एक बाघ था। दोनों के बीच में एक विषय को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के बहस छिड़ गई, ठीक है। एक गधा था और एक बाघ था, और मुद्दा क्या था? घास को लेकर के, कि घास हरी होती है कि नीली होती है। गधा कह रहा था घास नीली होती है, और बाघ कह रहा था नहीं, घास तो हरी होती है, मैं घास खाता जरूर नहीं हूँ लेकिन देखता जरूर हूँ। अब दोनों में बड़ी लंबी बहस हो, क्योंकि अब गधा घास खाता था तो उसको कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि मैं तो खाता हूँ, तुम खा, तुम्हें क्या पता। बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि आपस में दोनों अब बात गई जंगल के राजा शेर तक। शेर के पास बात पहुंची, शेर के पास दोनों पहुंचे, गधा भी पहुंचा, बाघ भी पहुंचा। तो गधे ने कहा, साहब देखिए, ये आपका जो शागिर्द है, इस शागिर्द को ये नहीं पता कि घास नीली होती है। शेर ने कुछ नहीं सोचा, उसने कहा बिल्कुल हाँ, घास नीली होती है। तो बोलिए, देखिए ये ज़बरदस्ती कर रहा है, बहुत देर से कम हमारे साथ लंबी बहस चल चुकी है और ये मानने को तैयार नहीं, इसको एक बार समझा दीजिए और या तो दंड दीजिए इसे। तो शेर ने बाघ को सीधा बोला, इसको 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। बाघ हतप्रत रह गया कि ये राजा हैं, इनका न्याय कुछ ऐसा होना चाहिए। और जब गधा चला गया, गधा खुश हो गया, जंगल में बोलने लगा, देखो मैं जीत गया, जीत गया, शेर ने बाघ को सज़ा सुना दी। अब बाघ पहुंचा, बोला कि साहब मैं आपका सम्मान करता हूं और आपको भी पता है कि घास हरी होती है। बोला, सजा इसलिए नहीं सुना है कि घास हरी होती हो, तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। सजा इसलिए सुना है कि तुम बहस किससे कर रहे थे। अरे तुम समझदार हो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि घास नीली है, तो क्या बुराई है? समझे कोई बात? तो ये जो हमारी सोसाइटी है, इसमें बहुत सारी नीली घास वाले लोग हैं। यदि आपके अंदर वो लक्षण है, तो बहस मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। सजा किसे मिलनी चाहिए थी उसमें? गधे को नहीं मिलनी चाहिए थी, वो तो है ही। सजा उसी को मिलनी चाहिए जो बहस कर रहा था। क्यों बहस कर रहे थे भाई? मैं तुम्हें समझदार समझता था, तुम्हारे अंदर बुद्धि समझता था, तुम ही फंस गए। तो हम कहीं ना कहीं पे आज के समय में कुछ ऐसे ही फंसते रहते हैं। थोड़ा सा नॉलेज हुआ, घास नीली और हरी करने लगते हैं, और उसके चक्कर में ऐसी बहस में फंसते हैं कि कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यदि ऐसी बहसों में आप फंसते हैं, आपका दिमाग भ्रमित होता है, तो मैं तो कहूँगा कि जिम्मेदार आप ही हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो है ही। आप समझ लीजिए यदि कर रहे हो, अब कौन है? अभी नहीं समझ में आया था? समझ गई ना? तो जीवन में यदि आप किससे बहस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यदि सामने वाला पता है कि योग्य है, सलाहकार अच्छा है, उसको नॉलेज है, तो उसे बहस कर रहे हैं। बाघ है कि गधा है, ये पहले क्लियर कर लो। और इसके बाद यदि ऐसा लग रहा है कि बहस ज़्यादा निकल रही है, तो थोड़ी देर के लिए घास नीली मानने में कोई, क्योंकि घास क्या नीली हो जाएगी गधा के कहने से? वो तो है हरी। हाँ हाँ, आज समझ में आई मेरी बात? आज से कम मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में इस चीज़ को लाइए। चलने दीजिए उस बहस को। काल मार्क्स की उपाधि दी है।
ऐतिहासिक पुरुष रहा है जिसका दूसरा पीस आज तक पैदा नहीं हो पाया। कार्ल मार्क्स अकेला ही था, इकलौता। अच्छा चलो चलते हैं उद्योगों पे चर्चा करेंगे।